चलिए, इस वीडियो में हम जानेंगे डिटोनेटर के बारे में, और नोनेल भी एक तरह का ही डिटोनेटर है, तो उसके बारे में भी पूरा विस्तार से जानेंगे। और ये स्टार्ट करते हैं, जो फर्स्ट इसका टाइप होता है प्लेन डिटोनेटर। उससे प्लेन डिटोनेटर क्या होता है कि एक तरह का ट्यूब होता है, एल्युमिनियम ट्यूब होता है, और उसमें नीचे में PETN डाला हुआ रहता है, और इसके जस्ट ऊपर प्राइमिंग चार्ज जैसे ये ऐसे रहता है, और यहाँ पे एक होल रहता है, और ये सेफ्टी फ्यूज रहता है, ठीक है। तो सेफ्टी फ्यूज को इस होल के माध्यम से यहाँ पे डाला जाता है, और फिर इस तरह से क्रिम्प कर दिया जाता है इसको, ऊपर का सिरा को, ठीक है। तो इस तरह से ये दिखता है। अब इसको एक्सप्लोसिव कार्टिज में या फिर एक्सप्लोसिव कॉलम में डालते हैं, और फिर इसको ये जो सेफ्टी फ्यूज बाहर निकला हुआ रहता है, फिर इसी को फायर किया जाता है, ठीक है। अब एक्सप्लोसिव जो ये सेफ्टी फ्यूज रहता है, सेफ्टी फ्यूज में जो फीडिंग रहता है वो ब्लैक पाउडर का फीडिंग रहता है। अब इसी से मिलता जुलता है डेटोनेटिंग कॉर्ड। डेटोनेटिंग कॉर्ड भी ठीक इसी तरह का रहता है, एक प्लास्टिक ट्यूब ही रहता है, लेकिन जो इसमें फीलिंग रहता है वो हाई एक्सप्लोसिव का रहता है, जैसे PETN या TNT का फीलिंग रहता है, यही डेटोनेटिंग कॉर्ड है। तो हाई एक्सप्लोसिव का फीलिंग करने से क्या होता है कि जो वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन है ना, ये अधिक हमको मिलता है इसके कंपेरिजन में। अब यहाँ पर आ जाइए ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डेटोनेटर में। इसमें क्या है कि इसको इस टाइप का डेटोनेटर को इलेक्ट्रिक से फायरिंग करते हैं, और जो प्लेन डेटोनेटर था उसको सेफ्टी फ्यूज के माध्यम से उसको फायरिंग करते थे, ठीक है। तो अब ये देख रहे हैं, यहाँ से ये दो वायर गया हुआ है, यहाँ ये फ्यूज हेड है, यहाँ से जब करंट सप्लाई होता है तो यहाँ पे फ्लशिंग मिक्सर रहता है, और ये फिर इसको स्पार्क देता है, उसके बाद ये पूरा डेटोनेटर ब्लास्ट हो जाता है। डिले डिटेनेटर में क्या है, देखिए यहाँ भी वही सेम, दोनों का कंस्ट्रक्शन सेम ही है, अंतर इतना है कि यहाँ पे ASA के बाद यानी प्राइमिंग चार्ज के जस्ट ऊपर डिले एलिमेंट डाला हुआ रहता है, ताकि यहाँ तक स्पार्क पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लगे, ठीक है। तो वही इसी कारण से इसको डिले डिटेनेटर कहा जाता है। और एक तीसरा मेनली डिले डिटेनेटर का एक और दो टाइप का होता है, एक लो टेंशन का और एक हाई टेंशन का। तो वो सब ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर लो टेंशन वाला ही यूज होता है। तो अब हम लोग आ जाते हैं नोनेल में। नोनेल यानी नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर। नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर में क्या होता है, इस तरह से रिंग में रहता है ये, बहुत सारा 3 मीटर का, 10 मीटर का, 5 मीटर का, 15 मीटर का, इस तरह से गुच्छा बना हुआ रहता है इसका। ये सॉफ्ट, ये जो ट्यूब है ना, इसका लेंथ रहता है 3 मीटर 5 मीटर। तो जैसा भी आप जिस साइज का खोजिएगा उस टाइप का आपको नोनेल मिल जाएगा। ये एक प्लास्टिक ट्यूब रहता है जिसके अंदर फीलिंग रहता है रिएक्टिव एक्सप्लोसिव का, ठीक है। 3 mm का डाया और रहता है इसका सॉफ्ट ट्यूब का एक्सटर्नल डाया, और इंटरनल डाया रहता है 1.5 mm का, और उसी 1.5 mm का जो डाया रहता है उसी में फीलिंग क्या हो रहता है एक्सप्लोसिव मिक्सचर। और इसको इनिशिएट करने के लिए ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डिटोनेटर का ही यूज किया जाता है। लेकिन जो ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डिटोनेटर है वो किस में कनेक्ट होता है, TLD में, ठीक है। ये जो नोनेल है, नोनेल अभी इससे पहले वाला वीडियो में आप देखे होंगे कि जो हम बेंच बनाए थे, बेंच में जो होल था, एक जो होल था इसमें बूस्टर, ये जो बूस्टर देखे ना, बूस्टर से यहाँ से ऐसे एक ये डिटोनेटर अटैच कर देते हैं, यानी यही नोनेल रहता है। ये जो नोनेल है इसमें बांध दिए ऐसे, और इसको होल में लटका दिए, ठीक है। ऐसे होल रहता है, इसको लटका देते हैं और इसको चार्ज कर देते हैं। चार्ज करने के बाद क्या होता है कि एक होल चार्ज हो गया, उसी तरह से बहुत सारा होल रहता है, ठीक है। और सारा होल को चार्ज करने के बाद TLD ट्रंक लाइन डिले डिटोनेटर, जो पिछले वीडियो में हम उसके बारे में आपको डिटेल बता चुके हैं, वो भी एक तरह का सॉफ्ट ट्यूब ही है, ठीक है। TLD भी एक तरह का सॉफ्ट ट्यूब ही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसका में अलग, ये थोड़ा अलग टाइप का रहता है। इसमें इसका कनेक्शन आप फिगर में देख सकते हैं कैसा, ये TLD का फिगर है। तो उसी तरह से इसमें जो कनेक्टर रहता है ना, उसी में एक होल से दूसरे होल को कनेक्टर के माध्यम से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये जो पूरा इसका कनेक्शन है, यहाँ भी TLD ही यूज करते हैं पूरा, ये पूरा लाइन में TLD ही यूज किया हुआ रहता है कनेक्शन के लिए। और उसको फिर यहाँ पे डिटोनेटर अटैच करते हैं इस TLD को शॉक देने के लिए। ये डिटोनेटर ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डिटोनेटर रहता है, और इस इलेक्ट्रिक डिटोनेटर को हम लोग यहाँ से एक्सप्लोडर के माध्यम से ब्लास्ट करते हैं,
और फिर यहाँ पे ये शॉक जाता है, फिर ये शॉक ट्रैवल होते हुए पूरा यहाँ तक तो जाता है और पूरे बेंच के होल को ब्लास्ट कर देता है। TLD के बारे में डिटेल आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और ये बूस्टर समझ में आ गया है और आपको नोनल समझ में आ गया है। नोनल क्या होता है, इसका फायदा ये क्या है कि आप जब इलेक्ट्रिक डिटोनेटर यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डिले डिटोनेटर, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर किसी तरह का करंट लीकेज हुआ बेंच पे या कहीं भी स्टैटिक करंट है, तो उस केस में क्या होता है कि फायरिंग हो सकता है उसका, ठीक है। तो ये चीज़ ये सब में अब ये सबसे ये बचा लेता है। ये जो आप TLD देख रहे हैं जो कि होल से होल को कनेक्ट कर रहा है, ये जो TLD है इसमें डिले एलिमेंट भी फिक्स रहता है, और ये जो आपका नोनेल है, नोनेल में भी जो ये डिटोनेटर वाला सिरा है ना, इसमें भी डिले सेट किया हुआ रहता है, ठीक है। अलग अलग टाइप का डिले रहता है, जैसा भी आप लेना चाहेंगे उस टाइप का डिले मिल जाएगा। और ये जो TLD का सिरा है इसमें भी डिले फिक्स किया हुआ रहता है, वो एक रो से दूसरा रो के लिए भी आप सेट कर सकते हैं डिले, और यहाँ इस होल से इस होल के लिए भी डिले सेट रहता है, और ये पूरा यहाँ तक डिले सेट रहता है। लेकिन नोनल सिस्टम का एडवांटेज क्या होता है कि नो रिस्क ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से कोई रिस्क नहीं रहता है उसमें। करंट अगर लीक हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रेडियो ट्रांसमिशन का वेव से भी कोई दिक्कत नहीं है, फ्लेम से कोई दिक्कत नहीं है, और ना फ्रिक्शन किसी भी तरह का, अगर ट्रांसपोर्टिंग में या हैंडलिंग में किसी तरह से फ्रिक्शन या इम्पैक्ट उसको लग रहा है तो उससे भी उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब इनिशिएट ही नहीं होगा उस चीज़ से जब तक कि उसको इलेक्ट्रिक डिटोनेटर से शॉक नहीं देंगे तब तक।